हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एमडीसी वर्ल्ड ऑनलाइन में। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टेंस, इंग्लिश का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको टेंस का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो वॉइस भी बहुत अच्छे से बनेगा, अगर टेंस बहुत अच्छे से बन रहा है तो नरेशन भी बहुत अच्छे से आपको बनेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी मेहनत आप पूरी इंग्लिश में कर रहे हो या करोगे, उतनी ही मेहनत आपको टेंस में करनी है, और जितनी मेहनत पूरे टेंस में करोगे उतनी मेहनत केवल और केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करनी पड़ेगी। क्योंकि पूरी इंग्लिश का सबसे जो आधार है, बेस है, वो है टेंस। बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा टेंस यूज होता है, और टेंस से ही आप नरेशन बना पाएंगे, टेंस से ही आप वॉइस बना पाएंगे। जो डिग्री है आगे चल के पढ़ेंगे आप, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, वो सब टेंस पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरी इंग्लिश में लोग जितनी मेहनत करते हैं या जितनी मेहनत आप करोगे, उतनी मेहनत केवल और केवल टेंस में करिएगा। दो या चार सेंटेंस बना के या प्रैक्टिस करके, दो चार मिनट प्रैक्टिस करके नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी हमको टेंस में। और जितने यहां बार आप देख रहे हैं, चार इधर चार इधर चार इधर, जितनी मेहनत हम सब में करेंगे उतनी अकेली मेहनत केवल आपको इसमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा कठिन है टेंस, और ये सबसे आसान टेंस है। तो इसमें अगर पूरी मेहनत कर लेंगे तो सारे नियम आपको पता चल जाएंगे कि सब्जेक्ट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। जो स्ट्रक्चर इसमें सीख जाएंगे वही स्ट्रक्चर इसमें कॉपी हो जाएगा, वही इसमें कॉपी हो जाएगा। तो इसमें हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वर्ब याद होना जरूरी है, जो वर्ब्स के फॉर्म हैं। मैंने पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था कि वर्ब्स के फॉर्म क्या क्या होते हैं, तो आप उनको देख लें एक बार और उनको याद कर लें। क्योंकि अगर वर्ब्स के फॉर्म आपको याद नहीं होंगे, फॉर्म वर्ब्स आपको याद नहीं होंगे, तो ये टेंस आपको नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ क्रिया की सेकेंड फॉर्म भी लगती है, थर्ड फॉर्म भी लगती है, ING फॉर्म भी लगती है, S या ES वाले फॉर्म भी लगते हैं। इसीलिए क्रिया याद होना बहुत जरूरी है, अन्यथा टेंस नहीं बनेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा, याद भी करते रहिएगा और सेंटेंस भी बनाते रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेंस। किताबों में आप लोगों ने पढ़ाई होगा टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और कुछ किताबों में भी रहता है कि टाइम अलग है, टेंस अलग है, ये भी सही है कि टेंस जो होते हैं वो बेसिकली टाइम तीन होते हैं, टेंस जो होते हैं चार होते हैं, जो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है, ठीक है। टाइम तीन होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टाइम होते हैं। तो टाइम अलग होता है, टेंस अलग होते हैं। आगे चल के हम समझाएंगे कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, ठीक है। अभी समझने की आवश्यकता नहीं है, अभी केवल इतना ही समझ लीजिए। आगे चल के जैसे हम पढ़ते जाएंगे और बारीकी में हम समझेंगे कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, ठीक है। और कैसे टाइम के बदलने से टेंस बदलता है या टेंस के बदलने से टाइम बदलता है, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। तो टेंस सिंपल टाइम तीन लिखे हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप में से बहुत लोगों ने यह टेंस पढ़ लिया होगा। मैं इतना बेस से और इतनी आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूं उन लोगों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले वो लोग क्या करें, ये पूरे 12 जो नाम हैं उस नाम को याद कर लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग से सारे नाम को याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो ये पहला लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, ये क्या है। अगर किसी वाक्य में क्रिया के अंत में, अगर किसी वाक्य में क्रिया के अंत में, ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा है क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर वाक्य के अंत में आप देखोगे तो एक वाक्य है कि वह खेल सकता है, तो यहां भी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, सकता है, ता है आ रहा है, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये मॉडल का है, कैन का वाक्य है, ठीक है। इसीलिए वाक्य में क्रिया के अंत में आपको क्या मिलना चाहिए, ता है, ती है, ते है या ता हूं करके वाक्य आते हैं। तो दिमाग में क्या बैठाना है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया के अंत में ये आ गया तो मतलब वो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक है। और इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज़,
दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, डू और डज लगती है, और इन दोनों के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगेगी। इसके अलावा इसमें और भी है कि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और सिंगुलर में वर्ब की एस या एस वाली फॉर्म लगती है, जो अब इसको पढ़ेंगे तो विस्तार से अपन समझेंगे। अभी केवल इतना याद करना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अच्छा जब इनको विस्तार समझेंगे तो बताएंगे सब चीजें हैं क्या। जो काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है, चल रहा है हमारी आंखों के सामने, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान क्या है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आना चाहिए। जैसे वह जा रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है, इसमें आएगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगी और क्रिया की आईएनजी फॉर्म इसमें लगती है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी आपको वाक्य बनाते वक्त आप लोग क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य रहता है तो उसमें हम लोग इज एम आर लगा देते हैं। तो हर एक टेंस को अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, कोई भी ऐसा यहां टेंस नहीं है जिसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, सबके पास अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई भी एक टेंस दूसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो आप भी यूज मत करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज एम आर लगा दो, ठीक है। तो इज एम आर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, मतलब जो काम हो चुका है और जिसका असर अभी भी विद्यमान है। और विस्तार से जब पढ़ेंगे तो बाद में समझेंगे, मतलब जो काम हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वह बाजार चला गया है, लेकिन लास्ट में क्या है, या है, वह बाजार चला गया है, यानी काम हो चुका है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, दो लगती है, हैज और हैव, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओके। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान बिल्कुल चाहिए, जैसे ये रहा है, रही है, रहे, सेम सेम है। अंतर क्या है कि इसमें केवल टाइम ऐड हो जाता है, और बारीकी से अगर मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे टाइम ऐड होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि वह सो रहा है, ठीक है। तो वह सो रहा है किसका वाक्य है, रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन अगर मैंने बोला कि वह 2 घंटे से सो रहा है, तो रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम क्या आ गया, ठीक है, 2 घंटा, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टाइम काम हो गया, ठीक है। तो ये टेंस हो गया। तो ऐसा काम जो पास्ट से कंटिन्यू होते होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है, वो इसमें आता है, और बाकी डिटेल में इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम ऐड होता है, और इसमें कौन सी हेल्पिंग लगती है, हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और साथ में इसमें हम सिंस फॉर भी लगाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में टाइम के लिए, तो वो चीज हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले आपका उद्देश्य क्या है, इनकी पहचान याद करना और उसमें हेल्पिंग वर्ब याद करना, और ये याद करना कि इसमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आते हैं, पहचान इसमें ता है, तो इसमें ता था हो जाएगा, ती थी, या ये या ई, जैसे वह मुझे जानता था, ता था या, ठीक है। मैंने खाना खाया, या शब्द आ रहा है, उसने मुझे यह बात बताई, ई आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट आएगा, और इसमें कौन सी हेल्पिंग लगती है, केवल केवल एक लगेगी, डिड। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सबके साथ इसमें डेड लगेगा, और वर्ब की पहली फॉर्म। पॉजिटिव में इसमें वर्ब्स के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, बाद में देखेंगे उसको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट में जो काम कॉन्टिन्यू था, जो चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, वाज और वर्ब 2 लगेंगी, वाज और वेर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वह खेल रहा था, वह बात कर रहा था, ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। पास्ट परफेक्ट, जो काम हो चुका था, कंप्लीटली खत्म हो चुका था, ठीक है। वह घर समय पर पहुंच चुका था, उसके आने से पहले मैं निकल गया था, ठीक है। इसी प्रकार चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, रही थी, और इसमें टाइम तो बिल्कुल उसके जैसा ही है, रहा था, रही थी, और इसमें टाइम ऐड हो गया। वह सो रहा था, इसमें आएगा, और वह 2 घंटे से सो रहा था, इसमें आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आसान है। पहचान गा गे यज्ञी, यानी भविष्य में जो काम आप
करोगे, ठीक है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो गा शब्द आ रहा है तो फ्यूचर इंडिफिनिट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर में भी होगा, ठीक है, हो रहा होगा, कंटिन्यू रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। जैसे भविष्य की बात कर रहे हो कि अभी कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है और कल वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो आज क्या बोलेगा कि कल इतने समय हम लोग दिल्ली में घूम रहे होंगे, हम लोग वहां जा रहे होंगे, यानी भविष्य में वो काम आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी या शैल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। देखिए रहा होगा और रही होगी में कंफ्यूजन हो जाता है, एक रहा होगा वर्तमान में भी यूज होता है जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जैसे शायद वो अभी सो रहा होगा, यानी वो घर पे सो रहा है कि खेल रहा है कहीं पे नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में शायद वह सो रहा होगा, तो वो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, वो अलग बताएंगे। ये किसमें है, भविष्य में जो काम हो रहा होगा, हम लोग वहां इस समय घूम रहे होंगे, कल ये ऐसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो इसमें आएगा, विल बी या शैल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, जो भविष्य में अभी हो चुका होगा, इतने समय हम लोग ये काम कर चुके होंगे कल, इतने समय हम लोग वहां से निकल चुके होंगे कल, ठीक है, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा विल हैव या शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लास्ट, हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं तीनों, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये चार और ये एक, ओके, ये बहुत कम यूज होते हैं, ना के बराबर। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, टाइम इसमें भी सेम चीज आ जाएगा, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये तो बिल्कुल यूज नहीं होता, ठीक है, इसको केवल याद कर लेना जानकारी के लिए, बाकी यूज नहीं होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एक चीज कॉमन चीज देखना है, इंडिफिनिट ये भी है, इंडिफिनिट ये भी है, और इंडिफिनिट वो भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ठीक है। जब पॉजिटिव इसका स्टडी करेंगे, थोड़ा यहां से V5 ऐड हो जाएगा, वहां V2 ऐड हो जाएगा, वो अपन बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। जितने भी अपन कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, सब में क्या आ रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। पहचान भी, रहा है, ये रहा था, ये रहा होगा, यानी रहा शब्द कॉमन आ रहा है। अगर वो परफेक्ट है, ये देखो, ये प्रेजेंट का परफेक्ट, ये पास्ट का परफेक्ट, और ये फ्यूचर का परफेक्ट, तो वर्ब की यहां भी थर्ड फॉर्म, वर्ब की यहां भी थर्ड फॉर्म, और वर्ब की यहां भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो तीनों जगह वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मैं कोई से भी परफेक्ट पूछूं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट, चाहे पास्ट का परफेक्ट, और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और फोर्थ नंबर पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इतना, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में क्या लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम इतना होगा कि इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है, इसको देखिएगा, अच्छे से याद करिएगा, याद करने के बाद कॉपी पे इसको कम से कम 5 से 6 बार इसको लिखिएगा, और 5 से 6 बार नहीं, जब तक सही ना हो तब तक लिख लिख के अभ्यास करो, और जब बनने लगे तब लगातार आप इसको 5 बार और लिखो, कि 5 बार तक कोई भी गलती ना हो, ठीक है। जब इसको अच्छे से याद हो जाए, कि बोल के अभ्यास करना, खुद का टेस्ट आप लेना कि क्या पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस V3 चेक करना सही है कि नहीं, फिर खुद से क्वेश्चन करना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इज़मार लगता है, वर्ब का एनजी फॉर्म चेक करना सही है कि नहीं। जब ये अच्छे से याद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज का चैप्टर छोटा सा था बहुत, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम होगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और, वर्ब जरूर याद करते रहें, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ब हो सके, जो वर्ब्स की फॉर्म है पूरे फॉर्म, उसके चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म याद करें। 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने 5 फॉर्म लिखाए हैं, चौथा भी और पांचवा भी, जिसमें चौथा आईएनजी वाला फॉर्म है और पांचवा एस या ईएस वाला फॉर्म है, ठीक है। तो यहां हम लोग जब पढ़ेंगे तो चौथे आईएनजी फॉर्म को हम लोग चौथा फॉर्म कहेंगे, V4, और एस या ईएस वाले फॉर्म को पांचवा फॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद करना और खूब स्टडी करना, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस के साथ, बिल्कुल बारीकी के साथ, बहुत इकट्ठा में बहुत बड़ा वाक्य नहीं बनाऊंगा। ऐसे लोग जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल रेगुलर साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहें,
सबसे छोटे से स्टार्ट करूंगा, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी काफी एडवांस स्ट्रक्चर अभी आने वाला है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बुक में नहीं मिलेंगे आपको मार्केट किसी किताब में, वो सारे स्ट्रक्चर्स की पूरी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। लगभग 12 से 13 स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स अपन बेसिक से शुरुआत करेंगे, सबसे छोटे स्ट्रक्चर से, और धीरे धीरे हम लोग जाएंगे लार्ज स्ट्रक्चर की ओर, बड़े स्ट्रक्चर की ओर। ओके, सो बिल्कुल सीखते रहिए, कीप लर्निंग। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको आप लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।